नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ललितपुर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध उन्मूलन अभियान के तालबेहट कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार वर्मा तथा तेरही फाटक चौकी प्रभारी अजय कुमार को मिली बड़ी सफलता। तीन अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। नेशनल हाईवे जैसी जगहों पर देते थे लूट जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम। मुखबिर की सूचना के अनुसार सहजाद बांध के खंडहर बड़े कमरे में कुछ बदमाश डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलने पर उपरांत जब तालबेहट पुलिस तथा एसओजी टीम की संयुक्त दबिश के दौरान दिग्गी राजा पुत्र नाहर सिंह निवासी ग्राम राजपुरा थाना बार छोटू कुशवाहा व जगभान सिंह निवासी बजरौठा थाना कोतवाली तालबेहट महेश कुशवाहा पुत्र राजू कुशवाहा निवासी बजरौठा थाना कोतवाली ललितपुर को अवैध असलाह सहित दो मोटरसाइकिल तथा तीन मोबाइल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम प्रभारी निरीक्षक तालबेहट मनोज कुमार वर्मा, उप निरीक्षक अजय कुमार, एसओजी हेड कांस्टेबल शत्रुंजय सिंह, हेड कांस्टेबल संजीव शर्मा, हेड कांस्टेबल अरुण त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार, कांस्टेबल अजय पाल, कांस्टेबल गोविंद कुमार, धर्मेंद्र कुमार तथा विकास चंद आदि लोग मौजूद हैं। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, थाना तालबेहट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा एक गैंग जो अंतर जनपदीय गैंग है और ये संभवतः आसपास के जो राज्य में जो एमपी है वहाँ पे भी कई बार इन लोगों ने घटनाएं कृत की हैं। ये इनका तीन लोगों को इसमें पकड़ा गया है। ये लोग मेन इनका काम रहता था कि हाईवे पे जो भी व्यक्ति जाते थे बाइक से सुनसान रास्तों पे वहाँ पे इन लोगों को घेर के लूट की घटना को कारित करने की इनकी योजनाएँ बना रहे थे। उस टाइम पर हमें सूचना मिली कि ऐसे ऐसे कुछ लोग यहाँ पर छिपे हुए हैं। थाना पुलिस जब गई वहाँ पर तीन लोगों को पकड़ा गया। उनके पास से दो बाइकें मिली हैं और अवैध असलाह भी मिला है। इसमें तीन लोग फरार हो गए हैं जिनको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। ये सब किस तरह से घटना को अंजाम दिया? जैसा मैंने बताया, इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि हाईवे पे सुनसान एरियाज में बाइक या कार पे कभी कभी पत्थर लगा के या फिर किसी को पत्थर मार के टायर पंचर करके उस टाइप की घटनाओं को कारित करते थे और इनको हमने पकड़ लिया। एक बहुत बड़ी सफलता है ये हमारी, जो जनपद में इस तरह की घटना होने से एक बचाव है और आसपास के क्षेत्रों को भी राहत मिलेगी। We'll be right back.